के लिए, खबर सरोकार के लिए, खबर खुशी के लिए, दिखाएंगे हम सच सच्ची खबर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार ऑन न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। स्वास्थ्य समिति के सौजन्य से कोविड-19 टीकाकरण पर सोमवार को नगर भवन में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो ने आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में स्थानीय नागरिक और खासकर युवा पीढ़ी शामिल हुए। नगर भवन में वैक्सीन एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत एसपी आशीष भारती, जिला के सिविल सर्जन सुधीर कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने फीता काट कर किया। आगत अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर और उनके संबोधन के जरिए अभियान को आगे बढ़ाया गया। जिला के सिविल सर्जन ने मौके पर चेयर ऑफ इंडिया टोक्यो 2020 में शामिल होने वाले लोगों को शुभकामना दिया और अपेक्षा किया कि देश के लिए अधिक से अधिक मेडल लेकर आएं। उन्होंने मौके पर कहा कि कोविड-19 से बचाव का कारगर तरीका वैक्सीनेशन है। कहा कि 80% भी वैक्सीनेशन कर लिया जाए तो हम देश में लोगों की रक्षा कर सकेंगे। बताया कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड-19 होता है तो वह ज्यादा नुकसान नहीं करता है। एसपी आशीष भारती ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए यह कार्यक्रम सफल प्रयास है। कहा कि वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही प्रभावी उपाय है। बताया कि दूसरे फेज के दौरान देखा गया था कि परिवार का कोई न कोई सदस्य संक्रमण से जरूर प्रभावित था। इस दौरान पहली डोज भी प्रभावी रही, लेकिन उन्होंने दूसरी डोज भी ले लिया था। उन्होंने कोविड-19 को जरूर हराएगा। जो नागरिक है उनकी इम्यूनिटी हुई है और जिस प्रकार से वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू जी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, मैं चाहूँगा कि सभी उनकी तरह ही सभी लोग प्रदर्शन करें। कल मैंने इसके लिए करीब 16 किलोमीटर की दौड़ मैंने खुद से दौड़ी थी और मैं चाहूँ जिसके माध्यम से ताकि मैं लोगों को इसके लिए अवेयर कर सकूँ। मैं चाहूँगा कि सभी लोग अधिक से अधिक मेडल लें और देश का नाम रोशन करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे प्रभावी उपाय है और अभी सभी लोगों ने जो अभी जो सेकेंड वेव आया था उसमें देखा था कि लगभग सभी परिवार के सदस्य कोई ना कोई सदस्य जरूर इससे प्रभावित हुए थे। जो जिन लोगों ने वैक्सीन का एक भी डोज लिया था उनके जो कोरोना वायरस को हराने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और जिन्होंने दोनों डोज लिया था वो सभी लोग लगभग उसको हराने में सफल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, मैंने खुद भी लिया है और सभी लोगों से निवेदन है कि वो स्वयं भी लें और अन्य लोगों को भी दे रहे हैं। चीयर अप इंडिया को लेकर क्या कहेंगे? पहले मैं चीयर अप इंडिया के लिए कहूँगा और ये हमारे जो टीम ओलंपिक गई है उसके सारे खिलाड़ियों को पूरे भारतवर्ष के नागरिक के साथ साथ रोहतास जिला का जितने नागरिक हैं उनके तरफ से मैं उनका शुभकामना देता हूँ और वो अपने ये में अपने क्षेत्र में अच्छे खेल प्रदर्शन करके लोगों का दिल जीतते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके अपने देश आए, यही हमारी शुभकामना है। चीयर अप इंडिया के और सर जो अभी ये अभियान चलाया जा रहा है ये कोविड वैक्सीनेशन का जो अभियान है, एक्चुअली कोविड वैक्सीनेशन जो है तो बचाव कोविड-19 के संक्रमण से बचाव का ये सबसे उत्तम ये तरीका है और हम लोग अपने यहाँ अगर वैक्सीनेशन कर लें मोर देन 80% भी अगर वैक्सीनेशन कर लें तो हम पूरे राष्ट्र में ये लोगों का इससे रक्षा कर सकते हैं। और अगर भी कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसका का जो संक्रमण होता है तो वो ज़्यादा हमको डैमेज नहीं करता है, वो ज़्यादा खतरा पैदा नहीं करता है, इसलिए वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी और वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए। हिंदुस्तान को,
हिप हिप हुर्रे गो इंडिया गो गो इंडिया गो गो इंडिया गो गो